नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT65G versus iQOO Z9X5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 65G में 6.38 इंच जबकि Z9X5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 65G में 2.96 इंच जबकि Z9X5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 65G में 0.34 इंच जबकि Z9X5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 65G में 191 ग्राम्स जबकि Z9X5G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 65G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 65G में LTPO AMOLED जबकि Z9X5G में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 65G में 6.78 इंचेस जबकि Z9X5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 65G में 1264x2780px FHD+ और Z9X5G में 1080x2480px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 65G में 91.22% जबकि Z9X5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 65G में 450 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z9X5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 65G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Z9X5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 65G में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z9X5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 65G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Z9X5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 65G में Adreno 732 जबकि Z9X5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 65G में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 और Z9X5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो 65G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Z9X5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 65G में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Z9X5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 65G में नहीं है जबकि Z9X5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 65G में 5500 mAh जबकि Z9X5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 65G में 3 कलर्स जबकि Z9X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 65G में 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9X 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 65G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 65G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है, तीसरा Vivo S19 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।